क्या आपको भी सपने में जलते हुए दीपक दिखाई देते हैं, बुझे हुए दीपक दिखाई देते हैं? आखिरकार सपने में दीपक का दिखने का मतलब क्या है? क्या कोई आपको शक्ति प्राप्त हुई है या फिर कोई शक्ति आपसे दूर हो गई है? क्या आपके पितरों का बंधन तो नहीं कर दिया है? क्या आपके पास पितर खुश हो गए तो नहीं आ गए हैं? सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। कौन सी शक्ति किस दीपक से प्राप्त होती है और कैसा दीपक वो दिखाई देगा जो अब आपको शक्ति प्राप्त होती है, सारी इस वीडियो में आपको खुल के समझा के जाऊंगा। मैं आपका प्यारा विकास दहिया दिल्ली दरबार से। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रख रखा है, जिसमें हम आने वाले समय में एक एनजीओ ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी गरीब बहनों की शादी करा सके और जो भाई रोड पे सोते हैं उनके लिए खाने पीने तक का इंतजाम कर सके। पर यह सहयोग आपके साथ पूरा हो सकता है जब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, उसी समय हम एक एनजीओ ओपन कर देंगे। और साथ में अगर आप बेल आइकन भी दबाते हो तो साथ में जब जब हम लाइव आएंगे, लाइव में हमसे जुड़ के आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। समस्या कैसे भी क्यों ना हो, भूत प्रेत जिन मसान को बंधन, क्रिया बंधन, व्यापार बंधन, किसी प्रकार का बंधन क्यों ना हो, आप हमसे लाइव में जुड़ के अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो। दिल्ली दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो। दरबार निराला सारे जग ते प्यारा, सारे भूत प्रेत होवे दूर, बालाजी अस कृपा कर दे जीते जी। आज हम बात करते हैं सपने के अंदर दीपक दिखाई देना। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर दीपक आपको जलता हुआ आपके मेन दरवाजे पे दिखाई देता है, जो आपका मेन दरवाजा घर में जहां से आप एंट्री करते हो वहां पे दिखाई देता है दरवाजे के बाहर की तरफ जलता हुआ, तो भाई आपके घर में आपकी कुल देवी का प्रवेश हो चुका है। आपने कोई कुल देवी साधना की है या कुल देवी का कोई सामान रखते हो जब आप, और उसके बाद आपको सपने में जलता दीपक दिखाई देता है, तो वो प्रार्थना आपकी स्वीकार हो चुकी है और कुल देवी का प्रवेश आपके घर में हो चुका है, या आप कुल देवी की सिद्धि करते हो, साधना करते हो, उस समय जब दिखाई देता है तो कुल देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर आ चुका है। अगर वही दीपक आपके घर के अंदर दिखाई देता है जलता हुआ, घर के अंदर की तरफ दिखाई देता है, तो भाई जी आपके जो रुके हुए काम थे या फिर आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या थी, कोई कैसी क्रिया कर रखी थी, तो भाई अब आपकी वो तंत्र विद्या खत्म करने का समय आ गया। किसी ने आपका घर को बांध दिया, बंधन को बांध दिया, व्यापार को बांध दिया, किसी भी तरह का आपके ऊपर तंत्र मंत्र इस्तेमाल किया गया है और वो दीपक जलता हुआ आपको दरवाजे के अंदर की तरफ दिखाई देता है, तो आपके ऊपर से तंत्र मंत्र खत्म हो चुका है। अगर वही दीपक आपको जलता हुआ माता रानी की मूर्ति के सामने दिखाई दे, या फिर आपको भगवान जी के सामने दिखाई दे, या फिर किसी भी अन्य देवी देवताओं के सामने दिखाई देता है, तो भाई आपको जो इष्ट देव थे आपके उनकी कृपा प्राप्त होनी स्टार्ट हो गई है। इष्ट देव आपसे खुश है। अब आपका समय है कि आप और भक्ति में ध्यान दीजिए और उनकी सवारी कभी भी आपके शरीर में आ सकती है, आपके रोंगटे खड़े होने स्टार्ट हो सकते हैं, आपको आभास होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमें सिद्धि और साधना के समय दिखाई देता है। जी हम किसी मूर्ति के सामने या तो धूप बत्ती दिखती है जलती हुई, या कोई दीपक दिखता है, या फिर कोई ब्राह्मण के रूप में, कोई साधु के रूप में हनुमान जी की पूजा करता दिखाई देता है, तो समझ लेना आपकी सिद्धि का फल आपको मिलना स्टार्ट हो गया है और आपकी प्रार्थना स्वीकार होने लग गई है। अब आप थोड़ी सी पूजा और जो आप समय दे रहे हो वो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। अगर वही दीपक आपको अपनी छत के ऊपर दिखाई देता, सबसे ऊपरली छत आपको दिखाई दे रही है, वहां पर आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप समझिए कि आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर आ गया है, पितर का के ऊपर पहरा है। और वही दीपक अगर आपका गंगा जी में बहता हुआ दिखाई देता है, जमुना जी में बहता हुआ दिखाई देता है, यह दीपक जब दिखाई देता है जब आप अपने पितरों को हरिद्वार लेके जाते हो या गंगा स्नान के लिए लेके जाते हो और वो दीपक आपको गंगा जी में चलता हुआ प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता, जलता हुआ दिखाई देता है, तो भाई जी समझ लेना कि आपके पितर आपकी पूजा से स्वीकार कर रहे हैं और आपके पितर आपसे बहुत ज्यादा खुश है। उन्होंने आपकी पूजा जो आप पाठ करवाते हो पितरों का वो उन्होंने स्वीकार किया है। अगर वही दीपक आपको बुझा हुआ जलता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर बुझता हुआ पानी में चलता जा रहा, तो आप अपने पितरों को वहां पर बिठा के आ गए हो, हरिद्वार छोड़ के आ गए हो, जिस वजह से वो आपको एक संकेत देते कि आप मुझे यहां छोड़ गए हो, मुझे बांध गए हो, या तो मुझे खुलवा लो, वरना मैं गलती से अगर किसी तंत्र मंत्र से खुल गया तो मैं फिर आपके लिए बुरे में चलूंगा, वो ये संकेत होता है अगर बुझा हुआ दिखाई देता है तो गंगा में। और वही दीपक अगर आपकी छत के ऊपर बुझा हुआ दिखाई दे तो आपका घर का बंधन हो चुका, किसी तंत्र मंत्र क्रिया से आपके घर का बंधन बांध चुके हैं। वही दीपक अगर दरवाजे पे आपका पितर का बंधन हुआ भाई छत के ऊपर दिखाई देगा, वही बुझा हुआ दीपक आपको दरवाजे के बाहर दिखाई देता है, तो आपकी कुल देवी का बंधन किसी ने कर दिया है कि कुल देवी ना आए। और कहीं वही दीपक आपके घर की अंदर की तरफ बुझा हुआ दिखता है तो आपके घर का भी व्यापार का भी आपका बंधन हो चुका। अगर वही दीपक जलता हुआ और ऐसा लगे कि भाई किसी शमशान में दिखाई दे रहा है या फिर चिता में दिखाई दे रहा है और उसमें भाई बक्कड़ बल रहा, बक्कड़ का मतलब होता है भाई बहुत ज्यादा अग्नि है,
और भाई उसके आसपास मतलब एक आग के अंदर दीपक रखा हुआ, चूल्हे की आग होती ना जैसे, उसके अंदर अगर दीपक रखा हुआ है तो भाई आपके ऊपर बहुत खतरनाक वाली तांत्रिक क्रिया हुई है, जो भाई आपकी शमशान से बिलोंग करती है, किसी शमशानी क्रिया आपके घर पे की है, उस वजह से वो दीपक आपके आसपास अग्नि फैलाता हुआ दिखाई देता है कि कोई शमशान की क्रिया आपके घर पे की गई है और इससे संभल जाओ। हमें ही हमारे संकेत मिलते हैं। अगर वही दीपक आपको अपने घर में चौमुखा दीपक दिखाई देता जलता हुआ, अगर चौमुखा दीपक दिखाई देता आप कोई सिद्धि करते थे माँ काली की या भैरवनाथ जी की या फिर कोई अघोरी की या फिर आपने कोई ऐसी सिद्धि की उग्र सिद्धि की है, तो वो सिद्धि आपकी पूरी हो चुकी है, उस सिद्धि का फल आपको मिल चुका है। अब आप उस सिद्धि से आप अपना कार्य ले सकते हो और अपने बिगड़े हुए कार्य आप बनवा सकते हो। दीपकों का मतलब हमारी लाइफ में बहुत कुछ हमें बताता है और दीपक से ही हम पता लगाते हैं कि भाई हमारे क्या चीज़ है क्या नहीं। अगर आपका कोई होली आ रही है दिवाली आ रही है तो उस समय आप अगर चौमुख दीपक जलाते हो तो उसका भी आशीर्वाद आपको 4 या 5 गुना मिलता है भाई जी। और भाई अभी आज शाम को मैं लाइव आऊंगा, लाइव में मैं आपको बताऊंगा कि चौमुखी दीपक के और होली पे कुछ ऐसे कर्म बता के जाऊंगा, अगर आप इनको होली पे करते हो तो आपको डबल से ट्रिपल फायदा होगा, आपके रुके हुए काम धंधे चलने लग जाएंगे, आपके घर में तंत्र विद्या हो उसकी काट मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं शाम को आज लाइव में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और भाई बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हम नई नई जानकारी आप तक लेके आ सके और नई नई जानकारी के विषय में आपको बता सके। बेल आइकन दबाओगे जब भी हमारे साथ लाइव में जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव।